तो जैसा कि हमारा पिछला एपिसोड बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट में एंड हुआ था, जहाँ पे जो जियाओ होती है, जो कि इनर कोर्टयार्ड की स्टूडेंट थी, वो युहा और वांगडोंग को ढूंढते हुए उनके पास आती है, जहाँ युहा और वांगडोंग अपनी फर्स्ट जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ जो फ्रेशमैन थे उनका फर्स्ट इवोल्यूशन शुरू हो चुका था, जिसमें युहाओ को पेयर किया जाता है वांगडोंग और जाओजाओ के साथ। अब ये तीनों मिलकर के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और उस असेसमेंट के फर्स्ट राउंड में बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। बिजी जीत की ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि तभी जियाओ उनके पास आती है, जो यहाँ वांगडोंग और युहाओ को साइड ले जाती है और उनसे यहाँ पूछने लगती है कि उस दिन जिसने मेरे इवल फायर फिनिक्स को सप्रेस किया था, आखिर वो सोल मास्टर कौन था जिसकी आइस एट्रीब्यूट थी, तो तुम लोग मुझे उसका पता बताओ और ये बताओ कि मैं उसे कहाँ ढूंढ सकती हूँ। यहाँ जियाओ बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और हम देखते हैं कि इसकी ईवल पावर एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ युहा अपने स्पिरिचुअल आई की पावर से उसका माइंड डाइवर्ट करता है और हम देखते हैं कि जो वांगडोंग होती है उसे लेते हुए उड़ जाती है वहाँ से। लेकिन यहाँ जो जियाओ की जो फीनिक्स पावर थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, वो अपने उस फीनिक्स बर्ड से इन दोनों को कैच कर लेती है और उनसे कहती है कि भले ही तुम दोनों में एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन मैं जिस एट्रीब्यूट की तलाश कर रही हूँ वो तुम में नहीं है और तुम लोग तो अभी इस लेवल तक भी नहीं पहुँचे हो कि मेरे से मुकाबला कर पाओ। तो अगर फ्यूचर में तुम कभी इनर कोर्टयार्ड पहुँचते हो तो मैं उस समय तुम्हें मौका दूंगी मुझसे चैलेंज करने का। आगे वो एक एटीट्यूड के साथ ये कहते हुए कि अपने आप को लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो, वहाँ से चली जाती है। यहाँ सीन कट होता है और हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कि अब तक के 5 राउंड हो चुके हैं। इन 5 राउंड में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली युहाओ की ही टीम रही है, इसलिए अब तक के जो 5 राउंड हुए हैं उनमें जिस टीम्स ने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं उनके बीच आज की कंपटीशन शुरू होती है, जो कि 6 राउंड होता है। अब इसी अनाउंसमेंट को सुनने के बाद सारे स्टूडेंट अरीना की तरफ पहुंचते हैं। जैसे ही जाओ जाओ उन दोनों को देखती है, उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम्हारे चेहरे इतने लटके हुए क्यों हैं, क्या वो उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ किया है जो तुम लोगों से कल मिलने के लिए आई थी। यहाँ युहाओ से कुछ कहने वाला होता है लेकिन वांगडोंग उसे रोकते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और अभी हमें सिर्फ अपने कंपटीशन में फोकस करना चाहिए। आगे यहाँ 6 राउंड शुरू होने की अनाउंसमेंट होती है और अब की बार जो युहाओ का ओपोनेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ युहाओ उनके इंट्रोडक्शन को देखते ही समझ जाता है अब तक पिछले राउंड में जितने भी उसके ओपोनेंट्स हुए हैं उनमें से कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब की बार ये जो टीम है ये सोल मास्टर सर इनकी 2 सोल रिंग्स हैं, जो कि एक फ्रेशमैन होने के नाते बहुत ही रेयर है। और उनकी टीम में जो मेन बंदा होता है उसकी मार्शल सोल एक एप बीस्ट की होती है, साथ ही वो जो 2 लड़कियां होती हैं लैंड सिस्टर्स वो जुड़वा होती हैं। इनकी जो मार्शल सोल होती है वो बाल होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहे होते हैं। यहाँ टीचर द्वारा काउंटडाउन शुरू करते ही सबसे पहले वो जो मेन बंदा है वो वांगडोंग पे अपने मार्शल आर्ट से अटैक करता है। आगे वो अपने मार्शल सोल यानी उस ई बीस्ट को एक्टिवेट करता है और जैसे ही वांगडोंग पे अटैक करने वाला होता है कि यहाँ जाओजाओ अपने ट्राइब आर्ट से उसे डिफेंड करती है। आगे हम देखते हैं वांगडोंग को जो अपनी फर्स्ट सोल स्किल को एक्टिवेट करती है, जिस पे वो दोनों जो लैंड सिस्टर होती है उनके यहाँ पावर हमें देखने को मिलती है। इनकी जो मार्शल सोल होती है आपस में मर्ज हो जाती है और फिर हम वहाँ देखते हैं कि उनके जो हेयर होते हैं वो इतने ज्यादा फैल जाते हैं कि वहाँ पे एक भूल भुलैया क्रिएट हो जाती है। अब वांगडोंग यहाँ फंस जाता है और इसे बाहर नहीं निकल पाता, जिसपे जो युहाओ होता है अपने फर्स्ट सोल स्किल का उपयोग करते हुए उसके साथ अपने डिटेक्शन पावर शेयर करता है। इस पे वांगडोंग को ये पता चल जाता है कि उसका ओपोनेंट कहाँ है और वो किस साइड से उस पे अटैक करने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो मेन बंदा अपनी पावर को 10 टाइम्स और बढ़ा देता है, जिससे उसके मसल्स में बल्किनेस आ जाता है और यहाँ लगातार वो वांगडोंग पे अटैक कर रहा होता है। यहाँ पहले वांगडोंग तो युहाओ की शेयरिंग स्किल का यूज करते ही उसके अटैक को आसानी से डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उस बंदे के जो फायर बॉल्स होते हैं वो युहाओ के भी डिटेक्शन रेंज से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ युहाओ के भी डिटेक्शन रेंज की सीमा होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो अब यहाँ जैसे वो फायर बॉल युहाओ के एकदम लास्ट रेंज से बाहर जाने वाला होता है कि वो जो उसका मेन ओपोनेंट है वो समझ जाता है कि कोई ना कोई जरूर है जो उसकी मदद कर रहा है, तभी तो मेरे अटैक्स इसे हिट नहीं कर पा रहे। तभी वो मेन बंदा उन दोनों लैंड सिस्टर को ये ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उस युहाओ से पहले निपटो। और हम देखते हैं कि युहाओ की भी हालत खराब हो चुकी थी और अब उन 2 सिस्टर जो कि आपस में अपनी पावर्स को मर्ज कर देती हैं, और अब इन दोनों की पावर मर्ज होने से हम देखते हैं कि उनके पास टोटल 4 सोल रिंग्स हो जाती हैं। और यहाँ पे वो अपने बालों की पावर को यूज करते हुए वांगडोंग को चारों तरफ से पकड़ लेती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो लैंड सिस्टर यहाँ वांगडोंग को पूरी तरह से अपने हेयर में ट्रैप कर लेती हैं। इसका फायदा उठाते हुए उनका जो मेन बंदा होता है अब वो युहाओ को हिट करने के लिए बढ़ता है आगे, लेकिन युहाओ अपने स्किल का यूज करते हुए ये पता लगा लेता है कि वो किस साइड से सबसे पहले अटैक करने वाला है और आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है।
इधर जॉज और ये सोच के परेशान हो रही थी कि इधर मॉनिटर क्राइसिस में है और यहाँ वोंग डोंग के पास भी कोई अटैक करने वाला डिफेंस पावर नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ। जिसमें युहाओ से कहता है कि मैं इस मेन बंदे से निपट लूंगा, तुम सबसे पहले यहाँ वोंग डोंग की मदद करो। अब आगे हम देखते हैं जॉज को जो अपने तीनों ट्राइबोर्ड्स को मर्ज कर देती है और उनके बालों के बवंडर में घुस के उसके ट्रैप को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ प्रोफेसर जाओ जो होती है उन सब के मोमेंट को देख रही होती है कि अगर जाओ जाओ ने यहाँ वोंग डोंग की मदद नहीं की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए कंपटीशन में रहना, क्योंकि ये जो लैंड सिस्टर है इनके मार्शल सोल के जो फ्यूजन है वो बहुत ही पावरफुल है। कि तभी हम यहाँ पे युहाओ को देखते हैं कि जो अब भी उस मेन बंदे के अटैक्स को बार बार डॉच कर रहा होता है। यहाँ वो देखता है कि जाओ जाओ भी अब वोंग डोंग को उनके ट्रैप से नहीं बचा पा रही थी, इसलिए वो यहाँ ना चाहते हुए भी अपने सेकंड स्किल यूज करने की सोचता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्काई क्रैपर ने युहाओ को 4 सोल स्किल्स दिए थे, उसे ये भी वार्निंग दी होती है कि कभी भी किसी को नहीं बताना कि तुम्हारे पास 4 सोल स्किल्स हैं, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ वोंग डोंग को इस तरह डेंजर में देखते हुए युहाओ अपनी सेकंड सोल स्किल को यूज करने की सोचता है। उधर दूसरी तरफ जो वोंग डोंग होती है वो भी अपनी सेकंड सोल स्किल को एक्टिवेट कर देती है। इसे हम देखते हैं कि इन दोनों की जो सेकंड सोल स्किल होती है आपस में मर्ज हो जाती है और वहाँ इतनी बड़ी एनर्जी क्रिएट होती है, इसे वो दोनों लैंड सिस्टर के जो हेयर ट्रैप थे वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो दोनों जमीन पे गिर जाती हैं। उनके यहाँ गिरने का कारण ये होता है कि युहाओ की जो सेकंड सोल स्किल होती है वो सोल शॉक की होती है, जो कि उनके टारगेट को मेंटल डैमेज कर सकती है। यहाँ युहाओ सोच रहा होता है कि मेरी ये जो सेकंड सोल स्किल है वो इस लैंड सिस्टर्स के पावर्स के आगे तो बहुत कम है, फिर भी मैं यहाँ इन्हें आसानी से हरा पाया, जिसका मतलब ये है कि जो वोंग डोंग की सेकंड सोल स्किल है उसने मेरे साथ मर्ज किया है, तो यही अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने इस स्किल का यूज करते हुए उनके सोल ड्रैगन को ब्रेक कर दूं। आगे हम देखते हैं कि उनके ओपनिंग टीम का जो मेन बंदा है वो समझ जाता है कि सबसे पहले युहाओ को यहाँ टारगेट करना होगा, इसलिए अब वो युहाओ पे अटैक करने वाला होता है कि युहाओ अपनी उन 4 स्किल में से एक का यूज करते हुए आसानी से उसके अटैक से एकदम 1 इंच साइड हट जाता है। यहाँ जाओजाओ की बारी आती है जो अपने ट्राइबॉट को इतना ज्यादा इलाज कर देती है और फिर उससे उस मेन बंदे को हिट करती है जो सीधा चकरा करके गिरता है टीचर के सामने ही। यहाँ टीचर उसकी इस हालत को देख करके युहाओ की टीम को विनर घोषित करती है। आगे हम देखते हैं कि वोंग डोंग जो होती है वो युहाओ को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है, जिसपे युहाओ कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, अपनी सारी की सारी सोल पावर को फिर से रीस्टोर कर लो क्योंकि अभी और भी राउंड्स बाकी हैं जो हमें फाइट करने हैं। आगे हम यहाँ देखते हैं कि अलग अलग टीम के साथ उनका कॉम्पिटिशन होता है। युहाओ कहता है कि अब की बार हमें जाओ जाओ को चांस देना चाहिए। जाओ जाओ भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती है और वो भी इस नेक्स्ट राउंड में जीत जाते हैं। आगे यहाँ बहुत से राउंड्स होते हैं जिनमें हमें दिखाया जाता है कि उनके जो ओपोनेंट्स होते हैं उनमें गजब गजब के मार्शल सोल होते हैं, लेकिन यहाँ युहाओ की टीम जो होती है सभी से जीतते हुए नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाती है। सारे के सारे राउंड्स में यहाँ पे युहाओ की टीम को ही विनर घोषित किया जाता है। अब यहाँ पे युहाओ की टीम को एक क्रॉन दिया जाता है और ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस फ्रेशमैन के इवोल्यूशन चैंपियनशिप के फर्स्ट फेज में युहाओ की टीम ने कमाल किया है, लेकिन अब भी इस चैंपियनशिप का सेकंड फेज बाकी होता है। यहाँ सारे लोग युहाओ की टीम के लिए चेयर करने लगते हैं। आगे यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं। अब ये दोनों यहाँ बहुत ही ज्यादा एग्जॉक्ट हो चुके होते हैं। वापस अपने डोर में जाते हुए सारे जो स्टूडेंट्स इन्हें मिलते हैं वो इन्हें इस चैंपियनशिप में वॉन करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ जो वोंग डोंग होती है वो थोड़ी उदास थी। युहाओ से कहता है कि फाइनली इस चैंपियनशिप का फर्स्ट फेज खत्म हुआ, अभी हमें कुछ दिनों का रेस्ट दिया गया है क्योंकि इस कॉम्पिटिशन का सेकंड फेज जल्दी शुरू होगा। आगे यहाँ युहाओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, लेकिन वोंग डोंग को ग्लूमी देख के वो उससे इसका कारण पूछता है। इसमें यहाँ वोंग डोंग बताती है कि मेरे जो सेकंड मार्शल सोल है वो एक मिलेनियन मार्शल सोल है जो कि 1000 वर्ष पुरानी है, फिर भी ये इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो लैंड सिस्टर के मार्शल फ्यूजन सोल्स को हरा सके, और मैंने उस समय फील किया था कि तुम उस वक्त अपने शेयरिंग एंड डिटेक्टिंग सोल स्किल का यूज कर रहे थे, तो मेरी ये मिलेनियम सोल की पावर कैसे इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये मेरी ये पावर तभी ज्यादा बढ़ जाएगी जब किसी और की मार्शल सोल मुझसे कंबाइन होगी, जिसका मतलब है कि तुम ही थे जिसकी पावर सोल मेरे से कंबाइंड हुई थी। तुम मुझसे छुपा रहे हो कि तुम्हारे पास एक सोल स्किल नहीं है बल्कि और भी सोल स्किल्स हैं। अब यहाँ युहाओ तो बहुत ही बड़ी दुविधा में होता है, क्योंकि उसके जो स्काई क्रैपर ने उसे बताया था कि कभी भी किसी के साथ तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि 4 सोल स्किल्स हैं, और वो यहाँ पे किसी को ये नहीं बता सकता कि उसकी जो फर्स्ट सोल रिंग थी वो स्काई क्रैपर की, उसी ने उसको ये 4 सोल स्किल्स दिए थे। आगे वो ये सोच रहा होता है कि वोंग डोंग के साथ उसने अब तक बहुत सारी प्रैक्टिसेस किए हैं, इसलिए वो उसे काफी अच्छे से जानता है, और अगर मैंने इसे ये नहीं बताया तो ये मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेगा। अब ये सारी बातों को सोचते हुए यहाँ फाइनली युहाओ ये सोचता है कि वो उसे जाकर के सारे सच बता देगा, लेकिन यहाँ जो युहाओ होता है वो उसे आधा सच ही बताता है, ये कहते हुए उसके पास बॉडी मार्शल सोल की पावर है और उसने अपने सीनियर बीबी से ये सुना है कि लेजेंड से इस बॉडी मार्शल सोल के बारे में ये कहते हैं
कि जिसके पास ये ऑन्टोलॉजी मार्शल सोल होती है वो काफी वंडरफुल थिंग्स कर सकता है, जैसे कि जो उसकी स्पिरिचुअल आइज है वो म्यूटेड हो जाती है जैसे ही उसकी पर्पल लेवन आइज कल्टिवेट करती है, जिसपे यहाँ वांग डोंग को समझ में नहीं आता है कि ये म्यूटेड पावर आखिर है क्या। तो यहाँ यूहाउ से एक एग्जाम्पल के साथ समझाता है कि देखो जैसे वो इलेक्ट्रिक लाइट है ना, जैसे ही उसे स्टेयर करूंगा मेरी जो फर्स्ट सोल स्किल होती है वो उसे आसानी से डिटेक्ट कर लेगी, साथ ही अगर उसे मैं काफी देर तक ऐसे ही घूरते रहूंगा तो मेरी जो स्प्रिट शॉक जनरेट हो जाती है और उससे जो शॉक निकलता है वो सीधा उस टारगेट को जाके हिट करती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यूहाउ कैसे करती है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाती है, जिसपे वांग डोंग उससे कहती है कि आखिर ये तुमने क्या किया। जिसपे वांग डोंग उससे कहती है कि अब मुझे समझ में आया तुम्हारी जो सोल स्किल है इसके साथ एक सपोर्टिंग सोल स्किल भी आती है जो अपने टारगेट को अटैक भी कर सकती है। लेकिन मैंने भी इस ऑन्टोलॉजी मार्शल सोल के बारे में एक रूमर सुना है, वो ये कि जो मैंने आज कंपटीशन में देखा वो तुम्हारी इस बातों से कहीं भी मेल नहीं खा रहा है। तुम कह रहे हो कि ये इतना पावरफुल नहीं है लेकिन मैंने जो वहाँ पे देखा वो तो कुछ और ही था। जिसपे यूहाउ कहता है कि अरे ऐसा भी कुछ नहीं है, मेरी जो ये मेंटल अटैक की पावर है ना वो बहुत ही वीक है, अभी इतना भी मैजिकल नहीं है जो तुम इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। मैं उन लैंसेस्टर को इसीलिए हरा पाया क्योंकि तुम्हारी जो मिलेनियम सोल स्किल थी उसने उन लैंसेस्टर की सारी सोल पावर को अब्सॉर्ब कर लिया था, तभी मैंने उन पे अपनी सोल शॉक से अटैक किया और वो वहीं मात खा गई। जिसपे वांग डोंग उनसे कहती है कि उनके जो मार्शल सोल थी वो आपस में मर्ज हो चुकी थी इसलिए उनके फ्यूजन मार्शल सोल को हराना बहुत ही मुश्किल था। जिसपे यूहाउ उसको बताता है कि जो फ्यूजन मार्शल सोल होती है वो तभी क्रिएट हो सकता है जब उन दोनों की सोल आपस में मैच करे, और अगर उनके सोल की मैचिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होती है तभी वो इस तरह के फ्यूजन मार्शल सोल को क्रिएट कर सकते हैं। आगे यूहाउ से कहता है कि हम 3 महीने से साथ हैं तो क्या तुमने अभी तक ये महसूस नहीं किया कि हमारी सोल भी आपस में काफी मैच करती है। जिसपे वांग डोंग उससे कहती है कि ये तुम क्या बकवास बात कर रहे हो, हम भाई हैं ना तो हमारे बीच ऐसा मैच कैसे हो सकता है। जिसपे वांग डोंग उससे कहता है कि वो भी तो सिस्टर्स थी तो क्यों ना हम इस चीज को ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारे जो मार्शल सोल है वो आखिर एक दूसरे से मैच कर पाते हैं कि नहीं। ये सुनके तो वांग डोंग यहाँ पूरी तरह से घबरा जाती है लेकिन फिर हिचकिचाते हुए उससे कहती है कि जब तुमने अपनी पहली सोल स्किल मेरे साथ शेयर की थी उस समय मैंने तुम्हारी सांस को महसूस किया था। जिसपे यूहाउ से पूछता है क्या तुमने सचमुच में ऐसा कुछ महसूस किया था, तो चलो जल्द से जल्द इसे ट्राई करते हैं। जिसपे वांग डोंग कहने लगती है कि मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। जिसपे वांग डोंग भी कहती है कि हमारे बीच एक फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए कि हमारी जो सोल पावर है वो एक दूसरे के बॉडी में सर्कुलेट कर पाती है कि नहीं। जिसपे यूहाउ से कहता है कि तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें एक दूसरे को हक करना चाहिए। जिसपे वांग डोंग उसे चिल्लाते हुए कहती है कि कभी नहीं, सिर्फ तुम मुझसे हाथ मिला सकते हो। जिसपे यूहाउ उसे ये कहते हुए बेड पे ले जाता है कि इतने शर्माने की इसमें क्या बात है, हम दोनों आखिर ब्रदर्स ही तो हैं। आगे यूहाउ यहाँ एक्साइटेड होते हुए उसे कहता है कि चलो इस चीज को टेस्ट करते हैं। अपने हाथ वो आगे बढ़ाता है और जैसे ही वांग डोंग उसे टच करती है और हम देखते हैं कि उनकी जो सोल्स होती है वो आपस में मर्ज कर जाती है। अब जिसपे यूहाउ के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो स्काई क्रैपर इतनी मजे की नींद ले रहा होता है वो जागते हुए कहता है कि अरे वाह तुम तो काफी लकी निकले कि तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिल गया जिसकी सोल तुम्हारे साथ मैच करती है। कैसा कहते हैं हमारी ये एपिसोड यही होता है खत्म। सो गाइस आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके मूलवान सजेशन का मुझे हमेशा वेट रहता है। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।